हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। इन दिनों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है, उसकी नई एक कलाकृति भारत के नए संसद भवन पर लगाई गई है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन में इस प्रतिमा का इसका अनावरण किया है, जिसमें अशोक स्तंभ की चार शेर वाली मूर्तियां हैं, लेकिन मूर्ति के स्वरूप को लेकर विवाद हो गया है। ये आरोप लग रहा है मोदी सरकार पे कि उसने जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके साथ छेड़छाड़ की है। और पुराने जो अशोक स्तंभ के चित्र हैं, उसमें दिखता है कि अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो सौम्यता के प्रतीक हैं, उनके चेहरे पर शांत भाव है, वो प्रेम के प्रतीक हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के शेर हैं, यानी उन्होंने जिस अशोक स्तंभ को स्थापित किया है, उस पर मौजूद शेर काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने उनको आदमखोर प्रवृत्ति का दिखाया है, और जो अशोक स्तंभ के शेर हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के नज़र आ रहे हैं नए वाले एम्बलम में, जो नेशनल एम्बलम है उसमें। तो इसको लेकर विवाद हो गया है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्या ये विवाद ज़रूरी है या फिर इस पर बेवजह बहस हो रही है। क्या वाकई में भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस वीडियो में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है, और फिर हम उसके चित्रकारी पर, उस पर जो प्रतीक है उन पर डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के जो विरासत है, जो महान विरासत है, उसका प्रतीक है। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर बुद्ध का रास्ता अपनाया था, और अपने साम्राज्य में उन्होंने अखंड भारत का कहें कि सपना साकार किया था। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, बहुत विस्तार था उनके साम्राज्य में, और वो पूरा बौद्ध में भारत था उस समय पर। और आप देखेंगे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 स्तूप बनाए, और उन्हीं में से आप कहेंगे कि सारनाथ में जो एक प्रतीक बना अशोक स्तंभ, जो उन्होंने अलग अलग जगह देश भर में स्तंभ बनाए थे, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ की जो आकृति थी, उसी को फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको बताता हूं कि अशोक स्तंभ में क्या डिटेलिंग है। यानी मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने जो सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया, उसे 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया। सारनाथ के संग्रहालय में जो मूल स्तंभ है उसको संरक्षित करके रखा गया है, सुरक्षित है। उस पर ऊपर यानी टॉप पर आप देखेंगे तो चार शेर हैं, जो एक दूसरे की उस पर कहें कि पीठ करके एक दूसरे की तरफ चारों दिशाओं में मुँह करके खड़े हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार में पद्म के ऊपर एक चित्र वलरी में एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक सांड है, और एक शेर की उभरी हुई मूर्तियां आपको नज़र आती हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं, जिसे धम्म चक्र भी कहा जाता है, जिसमें 24 तिलियां हैं, और एक ही पत्थर को काट कर इन सबको बनाया गया है, और भारत की शक्ति, साहस, गौरव और विश्वास को प्रदर्शित करता हुआ ये स्तंभ है। नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते अभी लिखा जाता है। सारनाथ संग्रहालय के मुख्य हॉल के बीच में ये चारों शेरों वाला स्तंभ है, और एक पत्थर को काट के बनाया गया है, जो अपनी भव्यता, राजसी भाव, गरिमा और मूर्ति कला का एक अनुपम उदाहरण है, और काफ़ी इसको शानदार माना जाता है कि ज़बरदस्त तरीके का काम किया गया है। आज जिस राष्ट्रीय चिन्ह के नाम पर चारों शेरों वाले प्रतीक का प्रधानमंत्री ने कहीं के अनावरण करके एक विवाद खड़ा कर दिया है, उसके शेरों के भाव और सारनाथ के मूल अशोक स्तंभ के शेरों के भाव अलग अलग दिखाई देते हैं। उनकी अपेक्षा इन शेरों के मुंह भी ज़्यादा खुले हैं और दांत भी ज़्यादा लंबे हैं, और इन शेरों के शरीर भी मूल स्तंभ के शेरों से अलग हैं, बेढोल हैं, और ये अपने आप में कहें कि उसमें सवाल खड़े करने वाली बात है। तो आपने दोनों का कंपैरिजन देखा कि किस तरह से जो अशोक स्तंभ मूल है, उसके जो शेर हैं वो शांति के प्रतीक हैं, शांत हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई शेर तो हिंसक प्रवृत्ति का जानवर होता है, वो तो मांस भक्षण करता है, वो दहाड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। तो इस पर विवाद बेवजह है, लेकिन प्रतीकों के अपने मायने होते हैं। कोई प्रतीक किस तरह की भावना को प्रदर्शित करता है, वो दुनिया भर में हर समय पर आप देखेंगे अलग अलग प्रतीकों के जरिए जाहिर किया जाता है। किसी विरासत का
किसी देश की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें उनके प्रतीकों का भी असर होता है। और भारत का जो अभी तक इतिहास रहा है वो एक शांत, सौम्य और साहसिक देश के तौर पर रहा है, लेकिन हिंसक या आक्रामक युद्ध के लिए पुकारते हुए देश के तौर पर भारत का स्वरूप नहीं रहा। तो जो नरेंद्र मोदी के जो शेर हैं अशोक स्तंभ में, वो उनके ज़्यादा बड़े मुंह हैं, ज़्यादा बड़े दांत हैं और आक्रामक हैं, यानी कि जो कहें कि शेर एकदम आदमखोर टाइप का होता है उस तरह की आकृति उसमें नज़र आती है। तो ये मूल फर्क है, मूल ओरिजिनल अशोक स्तंभ में और नरेंद्र मोदी के शेरों के बीच में। इसको लेकर विवाद हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसे प्रतीकों के जरिए आप भारत को हिंसक आक्रामक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो हिंसा में यकीन करने वाली विचारधारा है, फांसीवादी विचारधारा है, अपनी नस्ल को, अपने ब्लड को प्योर मानना और बाकियों को नीच मानना, ये वाली मानसिकता है। और जो आपसे कम पद में होंगे उनको, मतलब आप अपने वर्ण आश्रम में नीचे कर देंगे, उनके साथ हिंसा करेंगे, उस तरह की विचारधारा को इसमें कहीं कि एक प्रदर्शित करने की कोशिश हुई है। तो प्रतीक के साथ खिलवाड़ हुई है। प्रतीकों के साथ जो खासकर राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, या जो नेशनल एम्बलम है, उसके साथ में अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वो एक कानूनन अपराध भी होता है। उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि भारत में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से आप राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बाकायदा भारत राज्य अनुचित उपयोग निषेध कानून 2005 के जरिए इस बात को कानूनन रूप से भी स्थापित किया जा चुका है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ मोदी सरकार ने छेड़छाड़ की है, एक तो ये पहली बात कि ये कानूनी रूप से भी गलत इसको कहा जाए, अगर इसके साथ छेड़छाड़ को स्थापित माना जाए कि छेड़छाड़ हुई है तो ये कानूनी रूप से भी गलत है, इसको देशद्रोह आप कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ में छेड़छाड़ करना, भारत के नक्शे के साथ में छेड़छाड़ करना कि कोई हम चीन में दिखा दें, पाकिस्तान में दिखा दें, तिरंगे का अपमान करें, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करें, तो उसको देशद्रोह, राजद्रोह माना जाता है। तो भारत सरकार, मोदी सरकार ने कहीं एक तरह का देशद्रोही काम किया है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करके। मूल जो इसकी तस्वीर बनी थी सबसे पहले, उसका इतिहास भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो डिज़ाइन है उसको किसने बनाया था। ये कहें कि भारत सरकार ने इसको जब संविधान के तहत इसको मान्यता दी और उसको शामिल किया, उस समय इसको चित्रित करने का काम दीनानाथ भार्गव को दिया था, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और दीनानाथ भार्गव जो हैं वो पेंटर थे जिन्होंने अशोक की लॉ एंड कैपिटल को चित्रित और प्रकाशित किया था। दीनानाथ उस वक्त शांति निकेतन में पढ़ रहे थे और तब प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोसे ने उन्हें भारतीय संविधान की पांडुलिपि के पन्नों को डिज़ाइन कर रहे ग्रुप में शामिल किया था, क्योंकि भारत का संविधान भी उसको डिज़ाइन किया गया था। और फिर दीनानाथ भार्गव को ये काम सौंपा गया, वो पेंटर थे, और उन्होंने फिर कहते हैं कि वो बार बार एक महीने तक चिड़ियाघर में गए थे और वहाँ शेरों को रोज आकर देखते रहते थे कि शेरों की जो भाव भंगिमाएँ हैं, जो आकृति हैं, उनका मुंह दांत कैसे हैं, वो एक महीने तक जाते थे चिड़ियाघर में, उन्होंने बैठ के शेरों को देखा और फिर अशोक स्तंभ जो है उसके साथ तुलना करते हुए उन्होंने एक चित्र बनाया था, पेंट किया था, हाथ से चित्र बनाया था, और फिर उसी को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर शामिल किया गया। और फिर आप देखते हैं कि भारत में जो भारत सरकार की ऑफिशियल मोहर है, भारत सरकार का जो लोगो है, वो अशोक स्तंभ माना जाता है। आप देखेंगे IAS IPS जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर भी आपको अशोक स्तंभ नज़र आएगा, भारत सरकार के जो गजट होते हैं, आधिकारिक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है उसमें नज़र आता है। और भारत की पहचान अशोक स्तंभ को माना जाता है, और इसके दुरुपयोग के इसीलिए निषेध होते हैं कि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, तो इसीलिए एक कानून बनाया हुआ है 2005 में, इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसा हुआ है, उनके जो शेर हैं वो ज़्यादा हिंसक नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि जो फोटो है वो नीचे से लिया गया है, एंगल उसका लो है, इसलिए वो हिंसक नज़र आ रहे हैं, डिटेलिंग ज़्यादा है, बहुत बड़ी 6.5 मीटर के आसपास की वो मूर्ति है, तो इसलिए डिटेलिंग ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा बड़े मुँह नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, वो बनाया ही ऐसा गया है, इसलिए वो ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दूर से देखने वाली तस्वीरें उसमें भी वो उस तरह का ही नज़र आ रहा है कि वो मूल रूप से अलग है, भिन्न है, उसमें छेड़छाड़ हुई है, तो ये काम गलत हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भारत में इतिहास रहा है, जैसे बाबा साहब कहते थे कि भारत का इतिहास जो है वो बौद्धों के बीच में और ब्राह्मणवादियों के बीच में संघर्ष का इतिहास है,
भारत में बौद्ध विरासत इतनी महान थी, सम्राट अशोक ने जो सारनाथ में स्तंभ बनाया, बौद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 84,000 स्तूप बनाए, लेकिन उन सबको मिटा दिया गया, जला दिया गया, जमीन में दफन कर दिया गया। आप देखिए जितने भी बौद्ध विहार मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं, बौद्ध की मूर्तियां मिली हैं, वो सारी जमीन के नीचे मिली हैं, उनको दफनाया हुआ मिला है। और जितने भारत के मंदिर हैं, चाहे वो प्राचीन मंदिर हैं, वो सब जमीन के ऊपर मिले हैं। और ये तो कहा ही जाता है कि बहुत सारे बौद्ध मंदिरों को, मठों को तोड़कर इस तरह के मंदिर बनाए गए, बौद्ध की मूर्तियों को, बुद्ध की मूर्तियों को किस तरह से देवी देवता बनाकर पूजा जाता है, उनका किस तरह से ब्राह्मणीकरण कर दिया जाता है, सारनाथ जो है वो अशोक स्तंभ का वहाँ का इसके साथ छेड़छाड़ को इसके साथ भी जोड़ के देखा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो बौद्ध विरासत है, जो बहुजन संस्कृति है, उस पर भी एक तरीके का हमला है और उसको छेड़छाड़, उसका विकृत रूप बना के उसको हिंसक बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो बौद्ध धर्म समता, न्याय, बंधुता, भाईचारा, शील, प्रज्ञा, इनका संदेश देता है, जो कि वैश्विक समता का, भाईचारे का, बहनचारे का ये संदेश देता है, उसके प्रति को एक हिंसक प्रवृत्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। तो ये बौद्ध विरासत पर हमले के तौर पर भी माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब इसका एक तो इसका निर्माण इस तरह से कराया, ये ऐसा तो नहीं कि बिना सरकार की अनुमति के या बिना उनको दिखाए, बिना डिज़ाइन दिए, बिना उसके स्वरूप को देखे उन्होंने पास कर दिया होगा, सीधा वो अनावरण करने चले गए, ऐसा नहीं होता। बाकायदा कमेटी होती हैं, लोग होती हैं और बड़े अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, सरकार के नुमाइंदे, प्रधानमंत्री, उन लोगों को दिखा के ही ये इसका डिज़ाइन पास किया गया होगा, क्योंकि भारत की संसद पर उसको स्थापित किया गया है। तो उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई और क्या ये कोशिश है कि वो ब्राह्मणवादी तरीके से उनको अपोप्रिएट करने का, उसके साथ छेड़छाड़ करने का, उसको विकृत करने की कोशिश हो रही है। और आरएसएस तो खुलेआम सम्राट अशोक को महान राजा नहीं मानता, उनके जो लोग हैं वो आर्टिकल लिखते हैं कि वो अकबर जैसे राजा थे, उनको महान नहीं मानना चाहिए। विरासत पर भी हमले होते हैं, बौद्धों के खिलाफ लगातार किस तरह का कैंपेन चलता है, दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो क्या ये बौद्ध प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ नहीं माना चाहिए? और इसको स्थापित करते हुए भी ब्राह्मणों से पूजा करवाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित करते हुए ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, अगड़म बड़गम बोल रहे हैं, ये भी सवाल या निशान लगाता है कि भारत के सेक्युलर नेचर को आपने ध्वस्त किया। बौद्ध प्रतीक की पूजा आप ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, अगर आपको करवाना था तो सर्वधर्म संभाव टाइप की प्रार्थना करवाते, सभी धर्मों के लोगों को बुला के वहाँ प्रार्थना करवाते, या बौद्ध भंतों से वहाँ पर जो है वो आप बौद्ध वंदना करवाते, क्योंकि प्रतीक तो नहीं का है, लेकिन आप राष्ट्रीय प्रतीक है तो या तो कोई आता, सब लोग आते, या फिर कोई नहीं आता, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि जो राष्ट्रीय प्रतीक लगा है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, ये देशद्रोह है, ये देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है, ये महान विरासत पर ब्राह्मणवादी हमला है, उसको विकृत तरीके से पेश करने की मानसिकता है और हम इसका विरोध करते हैं। बौद्धों की धार्मिक भावनाओं को नरेंद्र मोदी सरकार ने ठेस पहुंचाई है, हम उसका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में लिखें, और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित रजा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।